हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है, सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। अगर आप विदेश जाने का सपना रखते हैं, विदेश जाने की सोच रहे हैं, ये नहीं पता कि विदेश कैसे जाया जा सकता है, तो ये चैनल अगर आपने देख लिया, यहाँ पर आपको जॉब वैकेंसीज के साथ जॉब एजेंसीज की डिटेल विदेश जाने की मिलती रहती है। जॉब एजेंसीज कुछ ऐसी चीज़ जो फ्री रिक्वायरमेंट भी आपको हायर्स करती हैं, और कुछ एजेंसी सर्विस चार्ज, तो यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप इंडिया में 10 से 15 हज़ार रुपये कमा रहे हो, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आप विदेश में जा सकते हो, बहुत सारी कंट्री हैं, 144 कंट्रीज हैं। आप सिंगापुर जाना चाहते हैं, मलेशिया जाना चाहते हैं, यूरोपियन कंट्रीज में जॉब लेना चाहते हो, पोलैंड, माल्टा, क्रोशिया, बुल्गेरिया, सर्बिया, अगर आप मिडिल ईस्ट जाना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको वैकेंसीज मिलेंगी। ECR और ECNR पासपोर्ट दोनों पर अप्लाई कर सकते हो। और मैं चाहता हूँ कि अगर भाई हमारे इंडियन भाई 15 साल काम कर ले विदेश में, मेहनत कर ले, आपको फ्यूचर में काम करने की जरूरत नहीं है। आपके सामने सीधा साधा एग्जाम्पल है, ऑलरेडी तुम्हारे छोटे भाई ने या बड़ा भाई, जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, बड़ा है छोटा, तो मेरी जो एज है वो 37 के आसपास है, 13 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 2 साल और करने हैं। भगवान की दुआ से कितना हमारे पास, इतना भगवान की कृपा से है कि अगर हम इंडिया में भी जाके कुछ ना करेंगे, तो 50 हज़ार से 1 लाख रुपए की हमारी इनकम होगी। तो ये चीज आप भी कर सकते हो। तो खैर, वो बात बात की है, अब बात करते हैं वैकेंसीज कौन कौन सी है। तो पहली वैकेंसी जो है सर्बिया यूरोप में कंस्ट्रक्शन कंपनी में निकली हुई है, 14 तारीख को इंटरव्यू होने वाला है। इंटरव्यू जो है तेहरान कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड, 310 शिवम हाउस, करमपुरा कॉम्प्लेक्स, ऑपोजिट मिलन सिनेमा, न्यू दिल्ली। स्क्रीनशॉट पर आ रहा है। आपको सैलरी जो है स्ट्रक्चरल वेल्डर चाहिए, 2500 USD आपको सैलरी मिलेगी, प्लस फूड एक टाइम का आपको मिलेगा। क्या कंपनी प्रोवाइड करेगी? कंपनी करेगी 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट प्लस रिन्यूअल। रिन्यूअल आपको मेहनत के हिसाब से मिलेगा। एकोमोडेशन प्रोवाइड करेगी, ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करेगी, 8 घंटे की ड्यूटी है, एक हफ्ते में 6 दिन काम करना है। आपको क्या रिक्वायरमेंट इस जॉब के लिए होनी चाहिए? तो 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, इंडियन एक्सपीरियंस ऑल्सो, अगर वेल्डिंग का इंडियन एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ECR और ECNR पासपोर्ट दोनों ही अप्लाई कर सकते हो। तो आप अपना तेहरान कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड के पास अपना रिज्यूमे और 14 तारीख को सारे डॉक्यूमेंट्स हैं आपका, 3 से 4 मिनट का वर्किंग वीडियोस, रिज्यूमे, पासपोर्ट, पासपोर्ट कॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो। अब इनके पास दूसरी वैकेंसीज और हैं, ग्रेप फार्म विनियार्ड रोमानिया में। तो अगर आप अंगूरों की खेती वगैरह में काम करना चाहते हो, तो हॉर्टिकल्चरिस्ट एंड लैंडस्केपिंग इंजीनियरिंग, $1,000 मिलेंगे, तो बहुत अच्छी सैलरी है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। कंपनी आपको 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट प्लस करेगी, 1 साल का रिन्यूअल करेगी। रिन्यूअल आपको मेहनत के, जितनी आप मेहनत करेंगे रिन्यूअल मिलते जाएंगे, और आपको कंपनी फूड एक टाइम का मिलेगा, फूड और फ्री एकोमोडेशन ट्रांसपोर्ट कंपनी प्रोवाइड करेगी। तो आपको अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर में 2 साल का एक्सपीरियंस है, ECR ECNR पासपोर्ट दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। तेहरान कंसल्टेंट्स के पास जो करमपुरा में न्यू डेली ऑफिस पर आ रहा है, वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी जो जॉब है वो यूरोप में है, बूम ट्रक ऑपरेटर्स की, वेस्टर्न कंट्रीज की जॉब है। तो बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज में जॉब है। डायनेमिक स्टाफिंग सर्विसेज के पास ये वैकेंसी निकली हुई है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। इंग्लिश अच्छी खासी होनी चाहिए। डायनेमिक स्टाफिंग सर्विसेज पूरे ऑल ओवर इंडिया में बहुत हैं, दिल्ली में है, मुंबई में है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।